आज बात करते हैं व्हाट्सएप से। स्वागत है आप सबका टेक वीडियो में, जहां मैं मुंजीर अहमद हर दिन आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें लेकर के आता हूं। तो आज बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। तो क्या आपको पता है भारत में एक महीने के अंदर 30 से 40 लाख व्हाट्सएप अकाउंट तक बैन किए जाते हैं। नवंबर की बात है, अक्टूबर से नवंबर तक लगभग व्हाट्सएप ने इंडियन प्लेटफॉर्म से अपने लगभग 37 से 38 लाख यूज़र्स को बैन किया था, जिसमें से 9 से 10 लाख यूज़र्स को उन्होंने खुद से बैन किया, खुद से हाईलाइट करके बैन किया, जबकि बाकी जितने सारे अकाउंट्स थे वो या तो गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे बैन किए गए या फिर यूज़र के रिक्वेस्ट पे बैन किए गए रिपोर्ट करने के बाद। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, वो ये है कि आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि मेरे कई जानने वाले हैं जिनका व्हाट्सएप अकाउंट अनइंटेंशनली बैन हो गया। उन्होंने कुछ ऐसा, वो कह रहे थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया बट फिर भी मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी कि व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो, तो व्हाट्सएप अकाउंट आपका बैन ना हो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप कहता है कि आप कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज को बिना उसके वेरिफिकेशन के फॉरवर्ड ना करें। तो एक दो मैसेज फॉरवर्ड कर देने से ऐसा कुछ आपका इमीडिएटली ब्लॉक नहीं होगा, बट आप लगातार वही काम करते रहेंगे तो एक दिन आपका व्हाट्सएप परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है और आप उस नंबर से फिर रजिस्टर नहीं करेंगे। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट का आप ज़्यादा यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसमें भी व्हाट्सएप बैन के खतरे होते हैं। जैसे आजकल चलता है कि एक आपने लिस्ट तैयार कर ली जिसमें 50-60 यूज़र्स हैं और अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि व्हाट्सएप हमेशा से मना करता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसा ऐप जो कि व्हाट्सएप में एक्स्ट्रा फीचर के लिए यूज़ किया जाता है, उसका एग्जांपल सबसे बड़ा वो जीबी व्हाट्सएप है। अगर जीबी व्हाट्सएप के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होगा जीबी व्हाट्सएप क्या करता है, ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना, बिना ब्लू टिक के चेक कर लेना किसी का मैसेज, या फिर सिंगल टिक रहते हुए ही दूसरों को ये बता देना कि आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ ही नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें जीबी व्हाट्सएप करता है। तो अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है परमानेंटली, तो ये आप ना करें। एक चीज़ और है, चौथी चीज़, वो ये है कि बल्क मैसेज फॉरवर्ड करना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि स्पैमिंग काफ़ी तेज़ी से व्हाट्सएप पे बढ़ रही है। आप भी नोटिस कर रहे होंगे पिछले 1 से 2 महीने में व्हाट्सएप पे ऐड का ज़्यादा बॉम्बार्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार अलग अलग कंपनियां व्हाट्सएप पे ही आपको मैसेजेस कर रही हैं, स्कीम बता रही हैं। तो अगर आपका भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है या फिर नॉर्मल बिजनेस अकाउंट है और आप लगातार मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, एक मैसेजेस को 10 लोग के साथ 20 लोग के साथ आप लगातार ये कर रहे हैं, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट फिर बैन हो सकता है। इसके अलावा 3-4 और चीज़ें हैं जो कि कानूनी तौर पे भी वो गलत है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर अब्यूज़ या फिर पोर्न मटेरियल अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कानून के अंदर वो फॉरबिडन मानी जाती हैं, तो वो आप कर रहे हैं तो भी व्हाट्सएप पर बैन किए जा सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म है वो तो ये दावा करता है कि उनके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जिससे कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप को भी आपके मैसेजेस की जानकारी नहीं मिलती है। वो बात सही है, लेकिन मेटा डेटा जो कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि कितने मैसेजेस कहाँ फॉरवर्ड हो रहे हैं, किस अकाउंट से कितने मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, या फिर अकाउंट की यूज़र डिटेल जो होती है, मेटा डेटा जिसे कहते हैं, वो उनके पास होता है, वो कंपनी के पास होता है। तो बेसिकली कंपनी को ये पता होता है कि कौन यूज़र स्पैम फैला रहा है, कौन यूज़र कोई थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेकर के व्हाट्सएप में कुछ फीचर्स बढ़ा रहा है, कौन यूज़र है जो पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है व्हाट्सएप पे, इस तरह की वीडियोस जो कि चाइल्ड अब्यूज़ एंड ऑल वो नहीं करने चाहिए वो करें। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप को पता होता है, तो उसके बाद अगर ये रिपीटेडली होता रहेगा तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। अब व्हाट्सएप अकाउंट कई बार किसी का यूं ही बैन हो जाता है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता फिर भी बैन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको क्या प्रोसेस है, उसकी वीडियो अभी रहने देते हैं, उसको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आपके साथ भी व्हाट्सएप बैन जैसी कोई इश्यू आ गई है तो बताएं, उस बारे में भी हम बात कर लेंगे। थैंक यू।